हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको आरएस अग्रवाल की एक्सरसाइज 1B में मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्रेस 2.36 बार प्लस 0.23 बार एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन देके रखी है इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम जानते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे सवाल इस तरीके के लगा चुके हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम 2.36 बार और 0.23 बार को इंडिविजुअली सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे हम ऐड कर देंगे। बस इतना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2.36 बार को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता था, लेट एक्स इक्वल्स 2.36 बार। ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम करते थे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि बार के नीचे जितनी भी डिजिट होती थी हम 10 के उतनी ही मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते थे। बार के नीचे यहाँ पे 2 डिजिट है, इस वजह से हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर 3 होती तो हम 1000 से करते। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी 100x और राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगी 2.36.36 बार। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2nd। अब अगला स्टेप होता था हमारा इक्वेशन नंबर 2nd माइनस इक्वेशन नंबर 1st। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा 100x माइनस x, जो कि होता है 99x। राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा 236.36 बार माइनस 2.36 बार, तो आपको मिल जाएगा 234। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आई आपकी वो आ गई 234/99, और यही x की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है किसका, 2.36 बार का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से जैसे हमने 2.36 बार को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, हम इस 0.23 बार को भी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, लेट x इक्वल्स 0.23 बार, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, क्योंकि यहां पे भी बार के नीचे 2 डिजिट है। मल्टीप्लाई करने के बाद 100x, ये क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम कह दें, इक्वल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 23.23 बार। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2nd। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2nd माइनस इक्वेशन नंबर 1st। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिल जाएगा 99x, राइट हैंड साइड पे हमें मिल जाएगा 23, तो x की वैल्यू आ जाएगी 23/99। ठीक है, अब देखिए हमको क्या हो गया कि 2.36 बार का भी सिंपल फ्रैक्शन पता चल गया है और 0.23 बार का भी सिंपल फ्रैक्शन पता चल गया है। मतलब क्या है, मतलब हम जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दे के रखी थी इस तरीके से, 2.36 बार प्लस 0.23 बार, अब हम इनकी जगह क्या लिख सकते हैं, इस चीज की जगह हम लिख सकते हैं 234/99 प्लस इस जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 23/99। अब आप कुछ मत करिए, सिंपल इसको ऐड कर दीजिए एलसीएम लेकर, एलसीएम आ जाएगा 99, ये हो जाएगा 234/23। ठीक है, तो हो गया 752/99। ठीक है, और यही हो गया इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर। आई होप आपको हर स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।